हे गाइस, आज हम लोग ये कली वाला लहंगा बनाएंगे। देखिए कितना ही खूबसूरत दिख रहा है। इसमें नीचे बहुत ही ज़्यादा घेर आया है और कमर के साइड में बहुत ही अच्छा फिटिंग भी है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है देखिए, और पहनने में कंफर्टेबल भी है। इसका वेस्ट पे हम इलास्टिक डाले हैं तो जिससे इसका फिटिंग बहुत अच्छा आया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये 4 मीटर कपड़ा है, हालांकि उतना लगेगा नहीं पर ये 4 मीटर कपड़ा है और इसमें हम 40 लेंथ और 40 वेस्ट इसी के नाप से बना रहे हैं। तो ये देखिए 40 लेंथ है तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लंबाई, तो ये 4 मीटर कपड़ा में पूरा नहीं होता तो ये 3 लेयर ही होगा, 3 फोल्ड। बाकी थोड़ा कपड़ा बचेगा जिसको हम और कुछ में यूज करेंगे। तो देखिए ये 3 फोल्ड में है तो हम इसको अब यहाँ से इसका कटिंग कर लेंगे, कट करके निकाल लेंगे कपड़ा। देखिए इतना कपड़ा में से बनाएंगे तो ये 3 फोल्ड है। इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे तो 6 फोल्ड हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से बिछा लेना है। देखिए अब हम इधर फोल्डेड साइड से 4 इंच ले रहे हैं। और ये किनारे वाला साइड से भी 4 इंच पे मार्क कर दे रहे हैं और इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। तो इसका हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से, एक पार्ट आगे के लिए हो जाएगा एक पार्ट पीछे के लिए हो जाएगा। देखिए इसमें, देखिए ये 3 बड़ा वाला इसमें कली निकला है, इसको बीच से हम फोल्ड कर देंगे केवल तो वो 6 कली इसमें हो जाएगा। और ये पीछे वाला पार्ट है इसको हमको बीच में स्टिच लगाना है। देखिए ये सभी को स्टिच लगा दिए हैं। अब इसका देखिए, अब इसका इनर वाला जो है पार्ट उसका कटिंग करेंगे। अस्तर के लिए जो पार्ट है ये सिंपल अम्ब्रेला में हम कट करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा को देखिए तिकोना में फोल्ड कर लिए हैं और इसका 10 इंच जो कमर का नाप है वो इस तरह तिरछे में किए हैं। और ये हम लहंगा से 2 इंच छोटा रखेंगे इनर, तो वो 38 इंच पर हम इसको मार्क लगाते जाएंगे नीचे में इस तरह से 38 इंच पे हम इसका मार्क लगा देंगे। अब देखिए मार्क लगा के इसका कटिंग कर लिए हैं, तो जो नीचे वाला जो बचा है कपड़ा उसमें हम वो जो बच जाता है थोड़ा पार्ट उसका हम इस तरह से इसको अटैच कर देंगे और उसको स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से ये इनर वाला एक पार्ट इस तरह से निकल के आया है और ये दूसरा पार्ट है। अब दोनों को हम अटैच कर देंगे इस तरह से, यहाँ पर देखिए पकड़ के इसको अटैच कर देना है, सिल देना है। तो ये एक पीस तैयार हो जाएगा इस तरह से इनर का, ये देखिए। अब वो मेन फैब्रिक देखिए इस तरह से वो नीचे में रखना है, मेन लहंगा का पार्ट और ये ऊपर से इनर का पार्ट। अब इसके लिए देखिए बेल्ट के लिए हम ये इनर वाला भी 4 इंच का चौड़ा पट्टी लेंगे और मेन फैब्रिक का भी 4 इंच का पट्टी लेंगे और इसको दोनों को अटैच कर देंगे, क्योंकि मेन फैब्रिक थोड़ा पतला है इसलिए इसको इस तरह से अटैच कर देना है। अब देखिए अब ये भी अटैच हो गया है, इसको एक स्टिच लगा के अटैच कर दिए हैं इसका वेस्ट वाला हिस्सा और ये पट्टी भी अटैच हो गया है। तो अब हम इसको राइट साइड को एक
दोनों का राइट साइड लहंगा का और ये पट्टी का एक तरफ करते हुए इसको इस तरह से स्टिच लगा देंगे, एक स्टिच लगा देंगे। इस तरह से इसको अटैच कर देना है पूरे पे। ये देखिए अटैच हो गया इस तरह से, और थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसको हम कट कर लेंगे पट्टी। देखिए इतना ज्यादा है तो इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये इस तरह से इसको हटा देना है। अब देखिए, अब ये दोनों को मिलाते हुए हमको एक सिलाई लगाना है ऊपर से, थोड़ा सा देखिए चारों पार्ट को मिलाते हुए लगाना है 2-3 इंच, और उसके बाद ये इनर वाला पोर्शन को लगाना है सिलाई, और बाद में मेन फैब्रिक को लगाना है। देखिए इस तरह से ये हो गया अटैच। देखिए तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर एक और फोल्ड इसको इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा देंगे, और थोड़ा सा पार्ट खुला छोड़ देंगे जहाँ से कि हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। देखिए इस तरह थोड़ा सा पोर्शन खुला छोड़े हैं, इसमें से हम इलास्टिक इंसर्ट करके उसको स्टिच लगा देंगे। तो ये कमर का फिनिशिंग हो गया। अब देखिए अब नीचे वाला पार्ट है, बॉटम है, तो इसमें जो ऊपर नीचे कपड़ा होता है इसको हम बराबर करेंगे। इसको कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा का है। अब देखिए इस तरह से बुकरम है, बुकरम बड़ा पट्टी लेंगे, इस तरह से 2-2 इंच चौड़ा पट्टी ले लिए। अब सबको अटैच कर देंगे जितना मेरा घेरा है उतना। और इस पर ये देखिए ये जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको इस तरह से रखते हुए इसको सिलाई लगा देना है पूरा पट्टी पे। देखिए इस तरह से लगा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से सीधी साइड की तरफ से इसको इस तरह से रखना है और इस पर सिलाई लगाना है, इस पर पूरे पे सिलाई लगाना, और फिर वापस इसको फोल्ड करके एक स्टिच लगा देना है। और देखिए इनर वाला को भी इस तरह से फोल्ड करके फिनिशिंग दे देना है, डबल फोल्ड करके पूरे पे सिलाई लगा देना है। तो बॉटम का भी फिनिशिंग हो जाएगा। और देखिए इस तरह से ये लहंगा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, जिसमें बहुत ही अच्छा घेर आया है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।